हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम देखेंगे चैप्टर 15 इंडिया ड्यूरिंग मुगल पीरियड हमने अब तक देख लिया था कैसे सल्तनत पूरी इंडिया में दिल्ली सल्तनत कैसे अलग 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 डिनेस्टीज आती गई एंड उसी टाइम पे साउथ में विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी किंगडम भी आया था जिसमें से बहामनी किंगडम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है और पांच अलग 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कुतुब शाही निजामशाही आदिल शाही ये पीरियड अब चालू हो चुका है जब साइमल्टेनियसली अभी धीरे धीरे शिवाजी महाराज जी की एंट्री हो जाएगी एंड मुगल लोगों की एंट्री हो चुकी है बाबर को दौलत खान ने बुला लिया था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एंड उसी के साथ दिल्ली सल्तनत खत्म होती है एंड मुगल पीरियड मुगल एम्पायर धीरे धीरे यहां पर स्थापित होता है बाबर से so, हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होते हुए कंटिन्यू होगी। 15, पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द फर्स्ट फेज ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया इब्राहिम लोधी वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली ही डाइड वाइल फाइटिंग विद बाबर After that the Delhi Sultanate came to an end and the Mughal rule was established. After the decline of the Sultanate the Mughal rule dominated the political scene during 1526 common era to 1707 common era. During this period most of north and central India and some parts of Deccan were under their control. The Mughal period was prosperous as far as the development in the fields of arts, literature, administrative system So, चैप्टर का कि कहा पे हम थे और कहाँ पे हम आ चुके हैं और मुगल पीरियड हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट टू हंड्रेड ईयर्स तक चला एंड स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स कॉमनिरा एंड उनके यहाँ पर रहने से हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग फील्ड्स में यू नो चेंजेस आए एंड डेवलपमेंट हुआ स्पेशली इन आर्ट लिटरेचर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द ट्रेड सो ऑल द थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर लेट्स एक्चुअली स्टार्ट द चैप्टर मुगल रूल इन इंडिया in the beginning of 16th century the political condition india was somewhat disturbed acha अच्छा, also hame pata hai upar likh line kya tha it was a second phase of islamic rule to तो first phase islamic rule ka jab sultanat chalu hui tab pehli bar hamare yahan pe pure muslim rulers लोग आए थे, इसलिए वो first phase of islamic rule कहा गया है, and mughal period को second आ, phase of islamic rule कहा गया है, okay uh, okay इन द बिगनिंग ऑफ सिक्सटीन सेंचुरी द पोलिटिकल कंडीशन इंडिया वॉज सम वॉट डिस्टर्ब तो जब सिक्सटीन सेंचुरी ये पीरियड जब था तब पोलिटिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी बहुत सारे इंटरनल वॉर्स चल रहे थे बहामनी किंगडम आपस में टूट चुका था सल्तनत में प्रॉब्लम्स चल रही थी ये सारी चीज़ें बहुत सारे आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे थे टेंशंस चल रही थी सल्तनत रूल आफ्टर मोहम्मद द दिल्ली सल्तनत ब्रोक डाउन कंप्लीटली एंड मेनी न्यू इंडिपेंडेंट किंगडम्स इमर्ज इन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया द बहामनी किंगडम गॉट डिवाइडेड इन फाइव ब्रांचेस द प्रोस्परस विजयनगर एम्पायर वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द फाइव इस्लामिक रूलिंग हाउस इन द साउथ नाव हमें पता है कि बहामनी किंगडम पांच पांच अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था जिसमें हमें यह भी पता है विजयनगर एम्पायर को हराने के लिए यही पांच किंगडम साथ में मिलकर फिर से विजयनगर को सिर्फ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते ये बात भी हमने लास्ट चैप्टर में एक लाइन में पढ़ी थी ड्यूरिंग द सेम पीरियड पोर्चुगीज बिगेन टू सेटल ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नाउ पोर्चुगीज लोग धीरे धीरे हमारे यहां पे आ तो रहे थे ट्रेड के हिसाब से लेकिन अब वो प्रॉपर पूरी तरह से सेटल हो रहे थे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में द ट्रेडिशनल मिलिट्री सिस्टम ऑफ द इंडियन रूलर्स इन द मेडिवियल पीरियड वॉज नॉट तो उस टाइम पे जो एक पीरियड था अपना ट्रेडिशनली चलते आ रहा वो प्रॉपर नहीं था मिलिट्री सिस्टम नॉट केपेबल ऑफ फेसिंग ऑनस्लॉट ऑफ न्यू चैलेंजेस द इंडियंस वे आर नॉट फेमिलियर विद मॉडर्न वेपनरी टेकिंग एडवाटेज ऑफ दिसल्स इन इंडिया तो यू नीट टू नो दिस की जब uh, 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 बाबर आए थे और जो वॉर हुई थी uh, uh, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में उसमें वो बहुत बुरी तरह से वो हारे थे क्योंकि बाबर के पास जो टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे जो हमारे पास नॉर्मली नहीं थी हम यहाँ पे शौद से हाथों से लड़ रहे बाबर सीधा फायर आर्म गन गन पाउडर गन लेके तोप लेके आ गए थे तो ये जो चीज थी ये सारी चीजें अभी तक हम उस चीज में डेवलप नहीं हुए थे इंडिया का पावर अभी तक उसमें डेवलप नहीं हुआ था इसीलिए मुगल्स यहाँ पर आकर अच्छी तरह से कब्जा कर पाए बिकॉज बाबर के पास इतना ज्यादा मॉडर्न वेपनरी था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुगल और मुगल वर्ड के बारे में बताया हुआ है और ये आप पढ़ सकते हैं बहुत ही सिंपल सा चीज है मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था मुगल जो तैमूर थे उन्हीं के डिनेस्टी के अंदर आते हैं बाबर उन्हीं के डिसेंडेंस में आते हैं द ग्रैंड आर्मी ऑफ इब्राहिम लोधी कुड नॉट सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत तो यही बात मैंने आपको जस्ट अभी बताई कि जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ पानीपत पानीपत जो जगह है दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर वहाँ पर ये जो बैटल हुई थी इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में वो सर्वाइव नहीं कर पाए इब्राहिम लोधी बिकॉज उनके पास मॉडर्न वेपनरी नहीं थी उतने टेक्निक्स नहीं थे बाबर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे उन्होंने बहुत प्लान आउट किया था मिलिट्री कैंपेन अपना पूरा और बहुत ही टेक्फुली उनको हराया था आ, बाबर डिफिटेड इब्राहम लोधी ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्फिग्रेशन स्किल्स स्ट्रांग आर्टिलरी सिस्टम ऑफ सीक्रेट इंटेलिजेंस एंड स्ट्रांग लीडरशिप साथ ही साथ सीक्रेट इंटेलिजेंस यानी हमें जो छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट बातें पता पड़ जाती सामने वाले के बारे में जिससे हम फायदा उठा सकते हैं उनका वो सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें वो जानते थे और ये सब करके उन्होंने हरा दिया था बाबर एस्टैब्लिश हिज रूल इन दिल्ली द राजपूत किंग्स केम टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ मेवार किंग राणा संघा टू काउंटर हिम नाउ इब्राहिम लोधी सल्तनत पूरी तरह से हट गई अब राजपूत जो राजपूत किंग थे अलग अलग अपने यहाँ पे वो लोग एक साथ आते हैं किंग राणा संघा के लीडरशिप में एक साथ आते हैं और हमला करते हैं बाबर के ऊपर बाबर डिफीटेड द राजपूत इन द बैटल ऑफ खानवा जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं और बाबर उन्हें भी हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ खानवा ये सारा मार्क कर दीजिएगा जो नेम्स है अलग अलग आफ्टर बाबर हिज एल्डर सन हुमायू असेंडेड द थ्रोन बट हुमायू वॉज डिप्राइव फ्रॉम द किंगडम ड्यू टू द डिफीट एट देंड ऑफ शेर शाह ऑफ बिहार नाउ हम बहुत एज ऑलवेज फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी है बाबर का रूल तो अच्छा खासा चलता ही है साथ ही साथ हुमायूं जो उनके बेटे हैं उनको जब राजगद्दी पे अब जब बाबर एक्चुअल में रा, राजा थे हुमायूं ऑलरेडी मिलिट्री कैंपेन वगैरह करते थे अपने फादर के लिए तो ऐसे में जब वो बिहार साइड जब आए थे तो शेर शेर शाह सुर करके एक सरदार थे उन्होंने उन्होंने Uh, uh, हमायू को हरा दिया था एक वॉर में एक बैटल में तो उसके वजह से माना जाता था कि हुमायूं इज नॉट अ केपेबल लीडर हुमायूं को देश निकाला भी मिल गया था तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट थ्रोन पे बैठने को नहीं मिला शेर शाह सुर मेड सम रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ही ब्रॉट टूगेदर द अफग़ान सरदास तो उन्होंने सारे और दूसरे उनके साथ साथ अफगान सरदान को साथ में कर लिया था स्कैट इन नॉर्थ इंडिया एंड एस्टाब्लिश द अफगान रूल द डिसेंडेंस ऑफ शेर शाह वे आर नॉट एफिशेंट हैंस आफ्टर द डैथ ऑफ शेर शाह हुमायू रिगेंड हिज लॉस्ड किंगडम तो शेर शाह जब तक मौजूद थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था और ओ, ओ, मुगल रूल को थोड़े टाइम के लिए फिर से हटा दिया गया था हुमायूं को भगा दिया गया था लेकिन जैसे ही शेर शाह की मौत हो गई वो चले गए हुमायूं को फिर से मौका मिल गया हुमायूं ने इनफैक्ट अगेन यहाँ पर अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड ये चलता ही आ रहा है ये पैटर्न ही है कोई अपना ही धोखा देता है और कोई इंपॉर्टेंट लीक आउट कर साथ दे देता है एंड दूसरा पावर हटा देता है तो ये होते ही रहा था तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ था और हुमायूं ने अगेन पूरा कैप्चर कर लिया ये एक ओवरऑल मैप आपको दिखाया हुआ बहुत अच्छा सा मैप जिसके अंदर पूरा बाउंड्रीज बताया मुगल एम्पायर का फ्रॉम काबुल यू कैन सी काबुल अफगानिस्तान में पड़ता है जहाँ से एक्चुअल वो साइड से आए थे बाबर वहाँ से लेकर टिल इन इन कैलकता यू कैन सी डाउन इन खानदेश वरहद एंड वसई दमन दियू तो पूरा इतना नॉर्थ कैप्चर कर लिया था जिसमें दिल्ली उनकी मेन सीट थी नीचे की तरफ यू कैन सी कुतुब शाही निजाम शाही अदिल शाही ये सारे जो अलग अलग हमारे बहामनी किंगडम्स के जो फाइव सेक्शंस थे वो सेक्शंस बताए गए हैं जो वहां पे उस टाइम पे मौजूद थे और ये थोड़े और समय तक रहेंगे आफ्टर यू हुमा, अब हुमायूं ने वापस पावर ले लिया हुमायूं ने अपना रूल कर लिया अब अकबर हुमायूं भी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए अकबर को बहुत जल्दी राजगद्दी पे आना पड़ा था ही वॉज ओनली फोर्टीन ईयर्स और समथिंग जब अकबर राजगद्दी पे आ चुके थे आफ्टर हुमायू हे सन अकबर असेंडेड द थ्रोन ही प्रूव टू बी द ग्रेटेस्ट मुगल एम्पर बिकॉज ऑफ इस्वालिटी ने किंग स्थापित किया था मुगल एम्पर लेकिन उसको बड़ा महान एकदम ग्रेट बनाने वाला अकबर था सबसे महान अ, 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 मुगल एम्पर में अगर किसी का नाम आता है तो अकबर थे अकबर बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट भी थे वो बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड थे सेक्युलर थे और उनकी उनके राज्य में बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस हुआ था इंडिया में ही एस्टाब्लिश हिज रूल फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड काश्मीर टू वरहत जो हमने मैप पूरा देखा वो एक्चुअली बाउंड्रीज तब बनी जब अकबर रूल करने आए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड राणा प्रताप द रूलर ऑफ मेवार पुट अप स्ट्रांग रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर अकबर कुड नेवर विन अ वॉर विद राणा प्रताप हेंस फॉर द एक्सपानशन ऑफ द एम्पायर ही अडोप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ Persuasion with the Rajputs. Akbar had realized that if the Mughal rule has to be strengthened in India, then he had to adopt non-offensive policies which would be popular. तो so, Akbar बहुत ही smart थे, Akbar बहुत ही intelligent थे। उन्हें पता था कि अगर मैं कहीं पे पहले तो राणा प्रताप के साथ उनकी वॉर हो चुकी थी, लेकिन उसमें वो बार-बार इतना प्रॉपर कंक्लूजन आ नहीं रहा था और वो पूरी तरह से उनको हरा नहीं पा रहे थे तो उनको बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे यहाँ पर अगर रूल कर करना है और अपना रूल स्ट्रांग रखना है तो मुझे हमेशा अटैक 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 मोड नहीं रखना है ऑफेंसिव मोड नहीं रखना है मुझे नॉन ऑफेंसिव तरीके वो शादी कर लेते थे इसलिए जोधा जी से भी उनकी शादी हो गई थी इट वॉज काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल ये उसके पीछे का रीजन था ये अलग बात है कि हमने ये देखा कि वो जोधा से काफी प्यार करते थे अकॉर्डिंग टू द मूवी एंड अदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स लेकिन ये यू नीड टू अंडरस्टैंड राजा लोग ज़्यादा शादियां इसलिए करते थे कि वो अलग अलग जगहों का पूरा जो आ, आ, प्रिंसेस होती थी जहाँ का वो एरिया भी अपने अंडर ले, ले ले और वहां से भी उनको सपोर्ट मिल जाए तो ये मेन रीजंस होती थी शादियां करने की उस टाइम पे सो अकबर ये बात जानते थे और उन्होंने इंडिया में रूल अपना स्ट्रेंथन करने के लिए नॉन ऑफेंसिव पॉलिसीज अपनाए थे सो यू नीड टू अंडरलाइन दिस वर्ड एंड यूज दिस वर्ड वेन एव यू आर टॉकिंग अबाउट अकबर इन द चैप्टर वायल राइटिंग द आंसर आफ्टर अकबर जहांगीर नाउ अगी वेरी फास्ट फॉरवर्ड हम चल रहे हैं अकबर के बाद जहांगीर आते हैं जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं एंड औरंगजेब रूल्ड एफिशिएंटली तो पूरा सीक्वेंस बता दिए मुगल एम्परस जितने जितने थे औरंगजेब वॉज अ लास्ट पावरफुल लीडर में बोलूँगा नॉट एक्चुअल में लास्ट उनके बाद भी ए, एक दो आते हैं लेकिन कोई खास फिर पावर नहीं रहता है मुगल का औरंगजेब ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनकी मराठा एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती है एंड उनका नाम हम बिकॉज शिवाजी के साथ जुड़ा हुआ है इन वॉर्स इसलिए औरंगजेब सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्रूअल वही थे माना जाता है उन्होंने अपने राजगद्दी पे, पे पहले तो आने के लिए अपने ही फादर अपने ही भाइयों सबको मरवा दिया था तो और अपने फादर को कब्ज़े में ले लिया था शाहजहां को उन्होंने कब्जे में लेकर रखा था जेल कोटरी में यू नो हाउस अरेस्ट काइंड ऑफ करके रख दिया था एंड अपने सारे भाइयों को मार दिया था खुद पावर पे आने के लिए औरंगजेब अटैम्प्टेड टू एक्सपांड इज एम्पायर इन द डेकन विद प्रोलॉन्ग कैंपेन्स औरंगजेब रेन इज नोटेबल फॉर हज वॉर्ज इन फ्रंटियर प्रोविसेज इज पॉलिटिकल पॉलिसीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया स्टॉन्च रिलीजियस पॉलिसीज एंड द मुगल मुगल मराठा कॉन्फ्लेक्ट तो औरंगजेब की अलग अलग उन्होंने अपनी पॉलिसीज रिलीजियस पॉलिसी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टी बिलीव करते थे मुस्लिम मुस्लिम इस्लामिक चीजों पर तो वो मॉस्क बनाते रहते थे माना जाता है उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स भी डिस्ट्रॉय किए थे उस चक्कर में तो ये सारी चीजें काफी वो करते थे कि मुस्लिम आ, इस्लामिक रूल ही होना चाहिए करके एंड इस्लाम ज्यादा फैलना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते थे इस चीज़ पे एंड उन्होंने उस बेसिस पे टैक्स सिस्टम चेंज कर दिया था एंड टूवर्ड्स साउथ भी उन्होंने कैंपेन चलाए थे जब वो टूवर्ड्स डेक साउथ आते हैं तभी उनका मराठा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द एक्सपांशन ऑफ मराठा किंगडम इंटरफेरेंस बाय द यूरोपियंस इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया

एंड और छोटे मोटे जितने अलग अलग किंगडम्स से इनके बीच में पूरा ये चलते आ रहा है एंड फाइनली मुगल एम्पायर पूरा ख़त्म हो जाता है एंड ब्रिटिश रूल जो कि सबसे क्रूअल पार्ट हमारा चालू हो जाता है एक्चुअल जो है स्लेव वाली चीज़ हमारे यहाँ पे चालू हो जाती है ब्रिटिश हम पे जब पूरी तरह से पावर कब्जा कर लेते हैं तो रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू सिस्टम नाउ हमने ओवरऑल सीक्वेंस वाइज देख लिया कौन सा कौन सा रूल चल रहा था उस हिसाब से हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिया मुगल्स का अब हम उसी पूरे पीरियड में अलग-अलग क्या रिफॉर्म्स आए रेवेन्यू सिस्टम में क्या चेंजेस आए टैक्स कलेक्शन वगैरह चीजों में वो देखेंगे अकबर मेड फर्दर रिफॉर्म्स इन द रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय शेरशाह सूरी तो जब शेरशाह सूरी ने जो अलग सिस्टम किया था थोड़ा सा उसके अंदर और

अकबर रैंडमली ऐसे ही नहीं बस तुम्हारा इतना बड़ा लैंड है तुमको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ऐसा नहीं था अकबर ने बहुत ही लॉजिकल चीज किया कि जितनी लैंड में आप एग्रीकल्चर करते हो वो एक्चुअल में कितनी फर्टाइल लैंड है अगर ज्यादा फर्टाइल लैंड है तो छोटा हिस्सा लैंड से भी ज्यादा हम कमा सकते हैं और अगर बहुत बड़ा लैंड हो लेकिन वो इनफर्टाइल हो तो सामने वाला जिसकी वो लैंड है वो बेचारा ज्यादा टैक्स नहीं भर सकता तो इन्होंने बहुत ही लॉजिकली लैंड को ग्रेड सिस्टम में बांट दिया उन्होंने अलग अलग लैंड जो ज्यादा फर्टाइल है कम फर्टाइल है इस बेस पर उन्होंने चार हिस्सों में क्लासीफाई कर दी थी लैंड्स को तो वो क्या है फर्टाइल uh, पहले तो फर्टाइल लैंड इनफर्टाइल लैंड इरिगेटेड लैंड एंड ड्राई क्रॉप लैंड तो ये चार हिस्सों में उन्होंने बांट दिया था जिसके उन्होंने यहाँ पे uh, जो एक्चुअल नेम्स यूज किए थे uh, वो नाम भी लिखे सुपिक नापिक uh, भगायत एंड जिरायत इंडिविजुअल लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स वे रजिस्टर्ड सारे जितने भी अलग अलग फार्मर्स लोग के नाम पे लैंड थी उसको रजिस्टर किया गया था एंड एवरेज ऑफ एनुअल्ड इन द लास्ट टेन ईयर वॉज कैलकुलेटेड एंड वन थर्ड ऑफ दिसमली ऐसे नहीं कि भाई तुमको इतना भरना वो कैलकुलेशन कैसे होता था कि इस पर्टिकुलर लैंड पे लास्ट दस साल में कितना उत्पान हुआ है कितनी uh, आई है कितने क्रॉप उग पाए है उसका वन थर्ड पार्ट का एवरेज लिया जाता था और वो बेज होता था टैक्स के लिए टैक्स दिक्कस और कॉमन सेंस की बात है पीरियड के हिसाब से चल रहा है तो वो जो एक बार टैक्स फिक्स होता था वो दस साल के लिए चलता था तो ये काफी अच्छी चीज एक चालू हुई थी दिस ऑफर्ड कंसिडरेबल रिस्पाइड टू फार्मर्स फॉर द स्पैन ऑफ टेन ईयर्स इसलिए फार्मर्स के पास एक्चुअल में दस साल का एक अच्छा खासा टाइम है कि वो टैक्स तो भरे ही साथ ही साथ अच्छा खासा कमा भी ले डॉक्यूमेंट्स नोन एज काबुलत पट्टा फ्रॉम दफ्ट रेट टैक्स तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे कि आपका टैक्स फिक्स हो चुका है ऐसा वगैरह तो उसको कहा जाता है काबुलियत एंड पट्टा द टैक्स वॉज कलेक्टेड इन कैश और इन काइंड या तो कैश में कलेक्ट करते थे और इन काइंड मतलब कुछ और फेवर्स हो जाते थे ग्रेन्स दे दो या समिंग कोई भी आप फेवर कर दो द फार्मर्स वेयर सेंशन लोन्स फॉर टिलिंग द लैंड विच कुड बी रिपोर्ट रीपेड इन इंस्टॉलमेंट उनको पैसे दिए जाते थे लोन मिलता था ताकि वह अपना काम चला सके एग्रीकल्चर में अलग अलग प्रोसेस जो होती है, से एक प्रोसेस होती है वो कर सके और आराम से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंटेड टू दूरिंग द टाइम्स ऑफ कलामिटीज लाइक एंड एपीडेमिक्स दीज वे देलफेयर पॉलिसीज ऑफ एम्प्रकबर तो अलग अलग अगर जब कोई फेमाइन आता था फ्लड्स होते थे बेसिकली किसी भी तरह से आपकी फसल आ, को नुकसान हुआ है और आप इस बार नहीं टैक्स चुका पाओगे तो उसमें आपको राहत मिलती थी ये सारे वेलफेयर पॉलिसीज़ थी अच्छे पॉलिसीज थे आ, अकबर एम्प्र के अंडर तोदारमल इन एम्प्र कोर्ट को अकबर कोर्ट इज नोन फॉर हिज इनसाइट रिगार्डिंग द वेफेर ऑफ कॉमन पीपल हिज इनसाइट वेयर इंस्ट्रूमेंटल फॉर अकबर लैंड रिफॉर्म्स तो अकबर के नौ रतन जो कहते हैं उसमें से एक तोदारमल जीवी थे जिन जिनकी बहुत ही दूरदृष्टि थी जिसके वजह से वो अपने कॉमन लोगों के बारे में अच्छा डिसीजन ले पाते थे बिकॉज तोदारमल जैसे मिनिस्टर्स अकबर के पास नेक्स्ट उस टाइम पे आर्ट आर्किटेक्चर लिटरेचर क्या था उसके बारे में देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द रेन ऑफ द थ्री एम्पर अकबर जहांगीर शाहजहा पीरियड ऑफ पीस ऑर्डर एंड प्रोस्पेरिटी तो मुगल पीरियड जब अकबर जहांगीर और शाहजहां थे तब बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला पीरियड माना जाता है और ये लोग आर्ट और uh, कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लिटरेचर आर्किटेक्चर ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे शाहजहां वही हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए uh, uh, जहांगीर भी वेरी uh, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको पेंटिंग्स एंड ये सब में इंटरेस्ट था इसीलिए हमारे यहाँ पे मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी उनके नाम से सम्मानित किया गया जहांगीर आर्ट गैलरी भी मौजूद है न्यू एरा आ बिगेन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर द एच्ड डिजाइन ऑन द मार्बल वॉल्स टूम्स ऑफ द हाईली एडवांस स्टाइल तो जो अलग अलग हमें मार्बल वॉल्स के ऊपर आर्ट देखने मिलता है अगर आपने ताजमहल देखा है तो आपको ये पता होगा अगर नहीं देखा है तो जरूर एक बार लाइफ में मेक श्योर यू प्लान आउट टू विजिट ताजमहल इवन इफ इट्स जस्ट अ सोलो ट्रिप फॉर यू गाइज डू प्लान अ ट्रिप टू ताजमहल इट्स रियली अ वर टू वॉच तो मार्बल के ऊपर उन्होंने मार्बल को कटआउट करके उसके अंदर सीपियां अलग अलग कलर की सीपियां लगाई हुई है शेल्स लगाए हुए एंड कलरफुल जेम्स लगाए हुए वेरी ब्यूटिफुल वर्क तो ये जो काम है ये जो स्टाइल है ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई थी और ये हमें उनके ओवरऑल आर्किटेक्चर में दिखाई देता है द काव डिजाइन ऑफ द टूम्स ऑफ सलीम चिष्टी एट फतेहपुर सिकरी एंड ताजमहल आर इट्स पैरामाउंट एग्जाम्पल तो ये एग्जाम्पल्स है कि ये इतना बेहतरीन आर्किटेक्चर करते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर एंड जहांगीर द आर्ट ऑफ आइवरी रॉयल तो आइवरी जो हाथी के दांत होते हैं उसके इस्तेमाल करके यू नो डिजाइनिंग करना आइवरी का इस्तेमाल करना ये भी काफी पॉपुलर था द मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्जियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग देर आर मेनियचर पेंटिंग्स ऑफ परजियन स्टाइल इन द मैन्यूस्क्रिप्ट तो ये पर्जियन स्टाइल से इंस्पायर होते हुए ये निकला था और ये बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी मीनिएचर पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी और पर्जन uh, स्टाइल्स की ऑफ बाबरनामा तो बाबरनामा इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर जी ने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसे बाबरनामा कहते हैं उन उस चीज की फोटोज पेंटिंग्स uh, है द आर्ट ऑफ पेंटिंग रिसीव्ड एनकरेजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर ही अपॉइंटेड स्किल्ड पेंटर्स इन कोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर पेंटिंग्स वेर डन बेस्ड ऑन

और बहुत अच्छी सी एक पेंटिंग भी दिया मुगल पेंटिंग एंड लेट्स मूव एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको अगेन थोड़ा सा बताया गया है कि uh, uh, कैसे मराठा रूल uh, 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 के टाइम की बात है ये एक्चुअली थोड़ा आगे चले जाएंगे हम लोग तो मराठा रूल और अफगान किंग के बीच का एक मुठभेड़ बताया हुआ है तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा वो

तो हमने देखा था ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूजिक uh, वैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है ऐसे अलग अलग स्टाइल्स होते हैं म्यूजिक के जो हम टेंथ स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं कल्चरल uh, uh, वाले चैप्टर में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर एंड शाहजहां म्यूजिक वॉज एनकरेज एज वेल हाउ एवर अंडर औरंगजेब रूल आर्ट डिक्लाइंड सिंस ही हैड बैंड ऑल आर्ट फॉर्म्स तो ये सब कुछ अच्छा चलता रहा शाहजहां तक और उसके बाद जब उनके बेटे औरंगज़ेब आ जाते हैं औरंगजेब सब कुछ बंद करा देते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आर्ट ये सारी चीज़ों में उन्होंने सारी चीज़ें बैन करा दी थी उनको फिर से अपना पूरा कब्जा ज़्यादा एक्सपांड करना था और यू you नो know, रूल करना था बाय द वे में आ, अगेन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग औरंगज़ेब एक कुछ छोटी छोटी जगह है जहाँ पर उन्होंने यू नो you know, आर्ट और वगैरह को सपोर्ट किया था और वैसे ही उन्होंने अपने फादर की तरह शाहजहाँ की तरह शाहजहां ने जैसे अपनी फेवरेट वाइफ के लिए और अपना प्यार बताने के लिए मुमताज़ महल के लिए ताजमहल बनवाया था वैसे औरंगज़ेब ने भी अपनी फेवरेट वाइफ के लिए वैसा ही कुछ कॉपी बनाया था जो ताजमहल काइंड का ऑफ कॉपी है जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं तो ये कुछ चीज़ें जो उन्होंने की थी हालांकि वो ओवरऑल आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे इन्फ्लुएंस ऑफ परसियन स्टाइल ऑफ आर्किेक्चर वॉज मोर प्रोमेंट इन अकबर पीरियड तो अकबर की पीरियड तक काफी आर्किटेक्चर हिट था काफी पीक हाइट पर था इन द लेटर पीरियड इट इवॉल्व बाई एबजॉर्बिंग इंडियन एलिमेंट्स विच केम टू बी नोन एज इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो अकबर तक आर्किटेक्चर पर्जियन स्टाइल में ज्यादा दिखाई देता था धीरे धीरे वो इंडो इस्लामिक बन चुका था इंडियन एलिमेंट उसमें आ चुका था The architectural style during Sultanate period had a great influence on strength and simplicity. During the Mughal period, the focus shifted to aesthetics. So सल्तनत के टाइम पे आर्किटेक्चर में क्या देखा हमने बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर रखते थे ज्यादा ज्यादा डिजाइन वगैरह नहीं और स्ट्रेंथ पे बिलीव करते थे तो स्ट्रॉन्ग यूज बट सिंपल ये हमने पहले भी देखा था सल्तनत पीरियड uh, का चैप्टर uh, में कि स्ट्रॉन्ग यूज एंड सिंपल आर्किटेक्चर होता था लेकिन मुगल पीरियड में यही चीज स्ट्रांग तो होनी है लेकिन ज्यादा डिटेल ज्यादा कार्विंग ज्यादा डिजाइन तो एस्थेटिक्स पे आ चुके थे अभी हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाबर द काबुल बाग मॉस्क एट पानीपत एंड जामा मस्जिद एट संभाल इन उत्तर प्रदेश वे बिल्ड इन स्टाइल तो अब हम बाबर से स्टार्ट होते हुए बाबर के टाइम पे जामा मस्जिद ऑफ संभाल अभी अलग दो जामा मस्जिद दिल्ली जामा मस्जिद सर्च करोगे तो आपको ब, वैसे तो बहुत मिलेंगे बट फेमस दिल्ली वाला एक है और ओरिजिनल उत्तर प्रदेश में संभाल जो बाबर के टाइम पे बना था जो बहुत ही छोटा सा है दिल्ली वाला बहुत बड़ा सा है तो इसलिए इंटरनेट पे सर्च में वो रिजल्ट जल्दी आ जाता है सो Uh, जामा मस्जिद एट संभालन उत्तर प्रदेश जो बाबर जी ने uh, बनवाया था पर्जियन स्टाइल में द मेमोरियल बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शेर शाह एट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो शेर शाह सुर के uh, uh, भी जो मेमोरियल बना हुआ है बिहार में वो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसके अंदर मिक्स दोनों स्टाइल हो चुकी है द पुराना किला वॉज बिल्ड बाय शेर शाह एट दिल्ली Uh, शेर शाह ने भी एक किला बनाया था पुराना किला कहते हैं ओल्ड दिल्ली में पड़ता है द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वॉज सेटअप बाई सेटअप ड्यूरिंग अकबर पीरियड लेटर द बिल्डिंग्स लाइक जामा मस्जिद नाउ ये जो जामा मस्जिद है दैट इज ऑफ दिल्ली का बड़ा वाला जामा मस्जिद बुलंद दरवाजा वेर बिल्ड इन फतेहपुर सिकरी अकबर बिल्ड द इंपॉर्टेंट फोर्ट्स लाइक आगरा फोर्ट लाहौर फोर्ट अलाहाबाद फोर्ट एंड एटॉक फोर्ट ये बहुत सारे अलग अलग फोर्ट्स बनवाए थे अकबर ने द यूज ऑफ रेड स्टोन एंड मार्बल ह्यूज डोम्स आर्स द सेलेंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड तो आर्किटेक्चर में बड़े बड़े रेड स्टोन्स का इस्तेमाल करना मार्बल्स का इस्तेमाल करना ये बहुत ही एक कॉमन स्टाइल था ओवरऑल एंड बड़े बड़े आर्क शेप्स बनाना ये बहुत ही कॉमन फीचर uh, था इन uh, इस पीरियड का इसलिए सारा चीज आपको रेड स्टोन में मोस्टली देखने मिलेगा या तो मार्बल पूरा द मुगल एम्प्रर्स वेयर नेचर लवर्स दे क्रिएटेड ह्यूज गार्डन अमोंग देम द शालीमार गार्डन एट लाहौर शालीमार गार्डन एंड निषाद गार्डन इन काश्मीर आर पॉपुलर इवन टूडे तो इनको नेचर से लगाव था आर्टिस्ट लोग थे दिल से ये लोग और नेचर से लगाव था तो ये जहाँ जाते थे अपने फोर्ट से लेकर अपने आस पास के एरिया हर जगह गार्डन बना लेते थे जिसमें शालीवार फेमस है जो आज के करंट पाकिस्तान लाहौर में पड़ता है द पीरियड ऑफ शाहजहा वॉज द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर जिसके अब शाहजहां के टाइम का पीरियड सबसे ज्यादा बेहतरीन रहा है आर्किटेक्चर वाइज दीवान आम दीवान खास इन रेड फोर्ट जामा मस्जिद मोती मस्जिद वेयर बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड यह अलग अलग चीज़ें उस टाइम पर उन्होंने बनवाई थी द ताज महल ऑफ आगरा बिल्ड बाई हिम इज़ इनकम्पेरेबल इन मॉरटल तो और ताजमहल तो एकदम इनकम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते वैसी चीज है वो एंड बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है एक्चुअल में जब आप रियल में देखेंगे उसको तो आप यू विल फील दैट इट इज अमेजिंग उस टाइम पे वर्कआउट कर लेना इतना बेहतरीन चीज इतनी सिमिट्री में इतना परफेक्ट डिजाइन दैट इज अमेजिंग लेटर द मुगल आर्किटेक्चर बिगेन टू डिक्लाइन धीरे धीरे मुगल आर्किटेक्चर खम हो गया था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एक्सिलेंट लिटरेचर वॉज क्रिएटेड इन पोर्जियन लैंग्वेज बाबर हिमसेल्फ न्यू पर्शियन एंड टर्किश लैंग्वेजेस हिज ऑटोबायोग्राफी नोन एज बाबरनामा इज वेल नोन तो अभी हमने ऊपर बाबरनामा पढ़ते वक्त ये बात कर ली ऑलरेडी कि उनकी ऑटोबायोग्राफी थी बहुत ज्यादा लिटरेचर को सपोर्ट किया जाता था और प्रमोट किया जाता था बाबर को खुद को पर्शियन लैंग्वेज टर्किश लैंग्वेज आती थी और उन्होंने बाबर नामा खुद लिखी थी अनदर इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज तारिक रशीदी बाय मिर्ज़ा हैदर रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं तो हुमायूं के टाइम पर राइटर थे मिर्ज़ा हैदर उन्होंने तारिक रशीदी लिखी थी अकबर गॉट मेनी संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इन पर्शिया विच इंक्लूड रजत रंगिनी लीलावती रामायण महाभारता हरिवंश एंड पंचतंत्र तो ये सारे टेक्स्ट पहले से हम जानते हैं ये नाम हम पढ़ चुके हैं खास करके महाभारता रामायण रामायणा रजत रंगिनी ये सारे टेक्स्ट हम पहले नाम पढ़ चुके हैं इसको उन्होंने ट्रांसलेट करा दिया था पर्शियन भाषा में ताकि और लोग पढ़ सके क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी कॉमन थी उनके कोर्ट में तो ये और लोग पढ़ सके ये सारे संस्कृत में टेक्स्ट ओरिजिनली अवेलेबल थे ये बात आप जानते ही है तो अकबर ने ये इस तरह से लिटरेचर को प्रमोट कराया था रोड द फेमस अकबर नामा और अकबर नामा नाउ uh, 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 ये अबुल अबुल फजल करके एक पर्सन थे उन्होंने अकबर नामा लिखी थी हमने नीचे एक लाइन पढ़ी अबुल फजल अबुल रोड अकबर नामा उन्होंने अकबर नामा लिखी थी यानी कि बेसिकली बायोग्राफी ऑफ अकबर एंड आय अकबरी एंड आयन ए अकबरी ये भी सेम आ, किताब है अकबर जी के बारे में दारा सुकोई अब दारा सुकोई शाहजहान के बेटे थे एल्डर एल्डर एंड औरंगजेब के भाई थे आ, दारा सुकोई सन ऑफ शाहजहां वॉज अ संस्कृत स्कॉलर वो दारा सुकोई संस्कृत में बहुत ज्यादा स्कॉलर थे ही ट्रांसलेटेड टेक्स ऑफ सेवरल उपनिषद टेक्स इन परसियन लैंग्वेज इन्होंने पर्सनली खुद संस्कृत भाषा से जो टेक्स्ट है अपने उपनिषद थे अलग अलग वैदिक टाइम्स से चलते आ रहे उसको पर्जियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड नंबर ऑफ बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल टेक्स्ट वे रिटर्न अमॉन्ग दाफी खान तारी के खाफी खान इज वेल नोन तो बहुत उस टाइम पे बायोग्राफिकल लिखने का जमाना था हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे गए थे एंड काफी अच्छा खासा लिटरेचर बना था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अ नंबर ऑफ लिटरेरी वर्क्स ऑफ हाई क्वालिटी वे क्रिएटेड इन लोकल नॉर्थ इंडियन डायलेक्ट्स टू मैंशन अफ्यू रामचरित्र मानस रिटन बाय गोस्वामी तुलसीदास द कंपोजिशंस ऑफ सूरदास एंड मीराबाई पद्मवत कंपोज बाय मलिक मोहम्मद झांसी दोहाज ऑफ संत कबीर तो उसी टाइम पे जो अलग अलग नॉर्थ इंडिया में अलग अलग लोकल आ, कहा जाए अगर तो जो संत थे अलग अलग जो राइटर्स थे उन सब ने भी अपना योगदान दिया था उसका यहाँ पे छोटा सा डिटेल दिया है सब एक एक नेम के साथ उसके ऑथर का नाम लिख लीजिएगा अब उस टाइम पे ओवरऑल मुगल पीरियड में ट्रेड कैसा था इंडस्ट्रीज कैसी थी और सोशल लाइफ कैसी थी देखेंगे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन द दंपायर हैड बिकम स्टेड स्पीडी तो उस टाइम पे उन्होंने हाईवेज वगैरह इतना सब अच्छे से डेवलप कर लिए थे अकबर ने खास करके तो इतना अच्छा प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन था सब कुछ परफेक्ट चल रहा था न्यू हाईवेज हाईवे बिल्ट फॉर इंटरनल ट्रेड हाईवेज़ वाई बिल्ड फ्रॉम आगरा टू काबुल कंदाहर काम्बात बुरहानपुर बंगाल ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में काबुल पूरे नॉर्थ तरफ पड़ता है खंदार नीचे की तरफ काम्बात टूवर्ड्स गुजरात पड़ता है बुरहानपुर भी टूवर्ड्स स्ट्रेट साउथ पड़ता है बंगाल एक तरफ पड़ता है ये सारे डायरेक्शंस में आगरा मेन रीजन हो गया और सारे हाईवेज उससे कनेक्टेड है द फॉर ट्रेड वाया सी रूट वॉज मेनली कैरड आउट फ्रॉम द पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट सच एसायत भरूच सूरत धाबोल एंड कैलिकट तो एक तरफ पूरा ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों तरफ का जो अपना है वहां पर अलग अलग पोर्ट्स बनाए थे और वहां से कैसे बाहर चलता था फॉरेन ट्रेड होता था वो बताया द इंडियन मर्चेंट्स ट्रेडेड विद मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया ईरान चाइना Armenia and some other countries of European continent. Silk carpets, Indigo, leather items, sugar, ginger, asafoetida, precious stones and many such items were exported to foreign countries from India. तो अलग-अलग items -अलग बता दी. Again exported goods कौन से हैं इस particular chapter में वो बता दिया है. Mark कर लीजिएगा. Uh, comments में मुझे बताइए asafoetida क्या होता है? Asafoetida को हम common अपने language हिंदी language में क्या कहते हैं? Uh, बहुत ही common चीज है. कमेंट्स में बताइएगा द गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूडेड अब इंपोर्टेड गुड्स का लिस्ट है गोल्ड सिल्वर हॉर्सेस चाइना सिल्क एक्सेट्रा ड्यूरिंग दिस पीरियड डच फ्रेंच इंग्लिश फैक्ट्रीज वेर एस्टैब्लिश यूरोपियंस इंपोर्टेड स्पाइसेस कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया इन एक्सचेंज ऑफ यूरोपियन गुड्स सूरत वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर इंटरनल ट्रेड ऑफ मुगल्स एज वेल एज फॉरन ट्रेड तो ये वो टाइम था जब तो आ ही चुका था डच फ्रेंच भी आ चुका था इंग्लिश यानी ब्रिटिश लोग आ चुके थे हमारे यहाँ पे एंड उन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली थी कंपनी सेटअप कर ली थी और वो यहां से इम्पोर्टेड स्पाइसेस क्लॉथ ये सारी चीजें लेके जाते थे बदले में वहां से वहां की गुड्स लेके आते थे सूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है ओवरऑल उस टाइम पे ड्यूरिंग द मोगल पीरियड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिस्ट इंडियन कॉटन क्लॉथ हैड्रेट डिमांड इन रीजन ऑफ अरेबिया ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इजिप्ट म्यांमार मलाका एक्सेट्रा तो इंडिया की कॉटन क्लॉथ का बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी थी एंड इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लॉरिश थी पूरी बहुत ज्यादा बूम्ड थी एंड ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपोर्ट की जाती थी द डाइज फॉर द टेक्सटाइल मेड Uh, अब जो कलर है वो कलर भी बनाया जाता था एट आगरा आगरा में बनते थे कलर्स मेनली प्रिपेयर्ड फ्रॉम इंडिगो टर्मरिक लैक कुसुम्बा ड्राई फ्लावर्स ऑफ सैफ्लोर एंड फार्मिंग द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ कास्टिंग इंडस्ट्री तो पहले तो डाई कलर बनते थे कलर्स बनाने के लिए कौन से अलग अलग चीजें इस्तेमाल होती थी इंडिगो ये सारे नेचुरल जो उगाए जाते हैं अगर आपको पता होगा तो ब्रिटिश लोग ने फार्मर्स को इंडिगो उगाने पे फोर्स किया था विच वाज अ कैश क्रॉप तो वो इंडिगो जो है जिससे ब्लू कलर मेन बनता है इंडिगो क्रॉप उगाते थे टर्मरिक आ, हम जानते ही हल्दी लैक जो ट्रीज के ऊपर एक्चुअली एक एक कीड़ा होता है लैक उसकी वजह से बनता है और उसको फिर उससे अंदर से कलर फिर उसको बॉइल आउट करके निकाला जाता है कुसुम्बा एक फ्लावर है सैफ सैफ फ्लावर नॉट वो मिस्टेक नहीं है सैफ फ्लावर उसका नाम है सैफ फ्लावर एक, एक, एक फ्लावर होता है एक तरह का एज यू कैन सी द फोटोज़ वो उसमें से भी कलर निकाला जाता था गोल्ड कलर येलो कलर ये सारे कलर्स वेपन्स एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाना वाज द मेन काम ऑफ कास्टिंग इंडस्ट्री तो जो आयन विल्डिंग का काम पूरा चल रहा है उसमें जो मेन uh, uh, काम है वेपन्स बनाना एंड फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाना द कॉपर ब्रास वेस्ल इन डिमांड ऑन लार्ज स्केल वेसल्स बहुत ज्यादा कॉपर ब्रास वेसल्स बहुत ज्यादा डिमांड में थे द प्रोविंस ऑफ बिहार वॉज फेमस फॉर पेपर प्रोडक्शन हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था कैसे पेपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था जिसमें से बिहार बहुत ही फेमस है तो ओवरऑल ट्रेड में कितनी सारी अलग अलग आइटम्स के बारे में बता दिया और कौन सी लोकेशन पे वो ज्यादा इंडस्ट्री पॉपुलर थी फेमस थी वो बता दिया ड्यूरिंग दोलोग पीरियड ड्यूरिंग द मोगल पीरियड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्टेड इन विलेजेस every village was self sufficient the law and order was managed and the daily needs were met at the village level during this period there were no major changes in social organization which was based on caste system so social system mein koi khas change nahi tha village sabse chhota हिस्सा रूल करने का और हर विलेज सेल्फ सफिशियंट था सारी चीजें वहीं एक विलेज में मौजूद है सबको सब कुछ मिल जाता है सब लोग सुखी चैन से रह रहे, रहे और कामकाज कर रहे हैं अपना ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द पर्दा सिस्टम वॉज रूटेड इन द एलाइट क्लास ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदू तो पर्दा सिस्टम इज बेसिकली विमेन लोग नकाब एक पर्दे में रहती थी इसलिए अगर आपको जोधा अकबर के भी कुछ सीन्स याद है तो uh, उसमें ऐश्वर्या को यू you नो know, पर्दे के पीछे बताया हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम तो पर्दा सिस्टम बहुत ज़्यादा दोनों हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी दोनों में ये uh, चल चले आया था जिसमें विमेन अपना पूरा मुँह ढक देती है द एजुकेशन सिस्टम ऑफ सल्तनत पीरियड हैड कंटिन्यू टिल द रूल ऑफ अकबर अकबर तक सेम एजुकेशन सिस्टम चलता रहा जो सल्तनत पीरियड से चल रहा था हावेवर अकबर मेड इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स कुछ चेंजेस उन्होंने किए थे रिफॉर्म्स यानी कि थोड़ा सा बेटर कर दिया था अलॉन्ग विद एजुकेशन ऑफ इस्लामिक रिलीजन इस्लामिक रिलीजन तो चल ही रहा था सिखाना ही ऑल्सो इंक्लूडेड न्यू सब्जेक्ट इन सिलेबाइस द इंडियन अब उन्होंने इस्लामिक पढ़ाइयाँ तो कराई रहे थे एजुकेशन में साथ ही साथ उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स एस्ट्रोनॉमी ये सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने को इंट्रोड्यूस करा दिए कि ये भी बच्चों को पढ़ाया जाए द मुगल पीरियड अ नंबर ऑफ मदरसाज वेयर एस्टाब्लिश एट संभाल उत्तर प्रदेश अहमदाबाद गुजरात बहुत सारे अलग अलग मदरसाज बने थे मदरसाज बेसिकली वहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन मिलता है मुस्लिम कम्युनिटी का ये पहले से रहा है एह uh, इन साउथ इंडिया सिटीज लाइक अहमदनगर गुलबार्ग बुरहानपुर बीजापुर गोलकंडा हैदराबाद हैड ऑल्सो बिकम फेमस एज लर्निंग सेंटर्स ये सारे लर्निंग सेंटर्स थे उस टाइम पे बहुत ही फेमस तो ये भी अगेन माफ कर लीजिएगा कि उस टाइम पे लर्निंग सेंटर्स कौन से कौन से थे देर वॉज अ मदरसा एस्टैब्लिश एड अहमदनगर बाई सेंट ताहिर in like us us the. madrasas used to have a special staff appointed for its maintenance. तो अलग से एक librarian रखते थे वो लोग बुक्स uh, 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 को मेंटेन करने के लिए मुगल एम्पायर एंड द डेकन अब टूवर्ड्स द एंड बता रहे कि Deccan के साथ मुगल एम्पायर का कैसा क्या था तो लेट्स सी दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड उस टाइम पे बहामनी किंगडम जो डिवाइड हो चुका था उसकी अब यहाँ पे बात होगी विथ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाबर हुमायूं बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर इंडिया तो बाबर हुमायूं नॉर्थ ने ने इंडिया के बाहर आगे वो गए नहीं थे द मेन रूलिंग पावर्स टू द साउथ ऑफ़ रिवर नर्मदा वेर सुल्तान ऑफ खानदेश निजाम शाही ऑफ अहमदनगर आदिलशाही ऑफ बीजापुर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकंडा अब ये नाम आप पहले ही पढ़ चुके हो ये बहावनी किंगडम जब डिस हुआ था तो ये सारे बन गए थे अकबर लेड अ अगेंस्ट निज़ाम शाही जिसमें से अकबर जब आते हैं तो उन्होंने निजाम शाही के अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट किया था इन फिफ्टीन नाइनटी फाइव कॉमनिरा अकबर सीज द फोर्ट ऑफ अहमदनगर ड्यूरिंग दट टाइम चांद सुल्ताना चांद बीबी द डॉटर ऑफ निज़ाम शाह सक्सेसफुली रजिस्टर द अटैक विद करेज एंड इंटेलिजेंस स्ट्रैटीज आफ्टर हर डेथ द मुगल्स कॉन्कर्ड तो निज़ाम शाही का निज़ाम शाह की जो बेटी थी चांद सुल्ताना उन्होंने अच्छा खासा रजिस्ट किया जो अकबर अटैक कर रहे थे लेकिन जब उनकी फिर मौत हो गई चांद बीबी की उसके बाद मुगल्स लोग ने पूरा कब्जा कर लिया अकबर पर्सनली केम डाउन इन साउथ, वो पर्सनली इस सारे चीज में इन्वॉल्व थे और, वो सभाज, नेमली, एमदनगर, वरहाद, और तो उन्होंने निजाम शाह का पूरा रूल तीन हिस्सों में बांट दिया अहमदनगर वरहाद और खानदेश वाइल अकबर वॉज एंगेज इन द सदर कैंपेन प्रिंस सलीम रिबेल्ड अगेंस्ट हिम एंड अकबर जहांगीर his तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जहांगीर ही सलीम है प्रिंस सलीम के नाम से जाने जाते थे उन्होंने रिबेल कर दिया अनारकली के लिए अकबर हैड टू वाइंड अपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां द निजाम शाही किंगडम डिक्लाइन अब हम आगे बढ़ गए फिर से शाहजहां के टाइम पे पूरी तरह से निजामशाही किंगडम खत्म हो गया था हावे वर दिलशाही एंड किंगडम मैनेज सबाग लेकिन अदिलशाही कुतुबशाही अभी भी टिके हुए थे इवन आफ्टर निजामशाही टोटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड लेटर औरंगजेब वो सक्सेसफुल इन अप्रूटिंग देम कंप्लीटली और फाइनली औरंगजेब जब आते तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग वे में डेकिन की तरफ बढ़ते हैं साउथ की तरफ बढ़ते हैं और पूरी तरह से ये सारे किंगडम्स को नष्ट कर देते हैं द मराठा पावर इन द डेकिन पुट अपर स्ट्रांग रेजिस्टेंस जिसके अंदर मराठा पावर शिवाजी महाराज अब आ चुके थे एकदम पिक्चर में और वो मराठा रूल्स स्थापित करते हैं और अगेन आदिलशाही निज़ाम शाही, शाही कुतुब शाही ये थोड़े थोड़े जो बच्चे कुछ है उनके साथ वॉर चलते रहती है और मराठा एम्पायर भी बनता है एंड और औरंगजेब के साथ डायरेक्ट फेस टू तो फेस इनकी काफ़ी वॉर्स होती The Maratha power मराठा पावर इन put up पुट strong रेजिस्टेंस ऑफ aurangzeb's एडवेंट वी विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट पार्ट तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे आई होप पूरा ओवरऑल मुगल पीरियड आपको समझ आया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा मुगल पीरियड एक ही चैप्टर में हमने कवर अप कर लिया हुआ है एंड थैंक यू सो मच कीप लर्निंग गाइस कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग ठीक है